हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो होने वाला है एक ड्रेस रिव्यू वीडियो। सो मैंने दो ड्रेसेस परचेज करी हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड बेरी लश, एंड आई थॉट कि मुझे अपना रिव्यू शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, सो दैट आप लोगों को भी इस ब्रांड के बारे में पता चले। वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कहीं ना कहीं इस ब्रांड को देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में, बिकॉज इंस्टाग्राम पे इसकी एड्स आती रहती हैं एंड इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, सो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मिंत्रा पे सर्च करने जाते हैं टॉप्स या ड्रेसेस, स्पेशली ड्रेसेस, तो ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपअप होता है एंड मुझे भी मिंत्रा पे काफ़ी बार ये ब्रांड दिखता रहा। सो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए इस ब्रांड से, सो दैट्स वाई मैंने दो ड्रेसेस पिक करी हैं एंड वन बाय वन मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों को। एज़ आई सेड कि इनका इंस्टाग्राम पेज है तो वो तो आप जाके चेक कर ही सकते हैं। अदर देन दैट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसके अलावा इसका पूरा कलेक्शन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं एंड जहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस मिले वहां से परचेज कर सकते। सो गाइज, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनका कलेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, बट आपको अच्छी खासी वैरायटी में मैक्सी ड्रेसेस एंड शॉर्ट ड्रेसेस प्लस टॉप्स मिल जाएंगे। मैक्सी ड्रेसेस में भी ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक स्लीवलेस, बैकलेस, लेस बैक, स्लिट, यही सारे ऑप्शंस आपको शॉर्ट ड्रेसेस में भी मिल जाएंगे एंड आपको फ्लोरल प्रिंट्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। सो गाइज, मैंने जो परचेज करा है वो मैंने इनकी वेबसाइट से परचेज नहीं करा है, मैंने मिंत्रा से परचेज करा है बिकॉज आई ट्रस्ट मिंत्रा मोर देन एनी अदर वेबसाइट। सो मुझे नॉर्मल सी ऐसी मिंत्रा की पैकेजिंग में पार्सल रिसीव हुआ है अपना। मिंत्रा से कभी कभार प्लास्टिक पैकेजिंग रिसीव होती है तो कभी ऐसी पेपर पैकेजिंग रिसीव होती है। सो गाइज, द फर्स्ट ड्रेस इज दिस वन। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर्ड मैक्सी ड्रेस एंड इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी डीप इसकी नेक है, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक आप स्ट्रिच करवा सकते हैं या तो फिर आप पिनअप कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रैपी फॉर्म में आती है एंड जो इसके स्ट्रैप्स हैं ये पूरे फुली एडजस्टेबल हैं एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एडजस्टेबल स्ट्रैप्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके बैक में आपको ये जिप मिल जाती है तो जिप से भी काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। सो आप देख सकते हैं कि ये पूरी फुल लेंथ मैक्सी ड्रेस है। इसकी पिक्चर भी मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूंगी। सो मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, आई एम 5'9", तो मुझे इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी लगी, बट जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी लॉन्ग हो सकता है। ओके, सो इस ड्रेस का आप देख सकते हैं पैटर्न, इतना पूरा हमारा बर्स्ट पैटर्न है एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं जस्ट इसके नीचे से एक स्लिट दिया हुआ है, तो ये स्लिट काफ़ी ज़्यादा लंबा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इतना ज़्यादा कोई स्लिट नहीं कैरी कर सकता है। सो जो इसका स्लिट है उसे आप या तो स्टिच करा सकते हैं, मतलब जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ से भी आपको स्लिट चाहिए वहाँ से आप इसे स्टिच करा सकते हैं या फिर पिनअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको लाइक ओके लगे। इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ पॉलिएस्टर, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है एंड प्लस बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, ये अच्छा खासा ओपेक कपड़ा है तो आपको सी थ्रू वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके साथ। एंड एज आई सेड कि इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है इसलिए इसका जो फॉल है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो बिकॉज ये पूरा एक सॉलिड कलर है तो आप इसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। विंटर्स में आप इसके अंदर हाई नेक पहन सकते हैं एंड नीचे जेगिंग्स पहन सकते हैं प्लस बूट्स पहन सकते हैं एंड वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगेगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिसमें आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे न्यूड मेकअप करें चाहे हैवी मेकअप करें, दोनों ही बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लस जो एमआरपी है दैट इज 1,999 रुपीज, बट मैंने इसे लिया था 999 रुपीज में, दैट इज ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज, बट मैंने देखा है कि इसका प्राइस अराउंड 800 भी चला जाता है कभी कभी सेल के टाइम पे, तो सेल के टाइम पे लेना ही बेस्ट है, तो तब आप ले सकते हैं इसे। एंड आई एम इन दी साइज मीडियम एंड मुझे बहुत ही अच्छे से ये ड्रेस फिट आता है। नेक्स्ट ड्रेस एंड आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की ड्रेस है, इस पर काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा प्रिंट दिया हुआ है, ये छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं एंड इसकी भी पिक्चर अगेन मैं यहाँ अटैच कर दूंगी कि वेबसाइट पे कैसा दिख रहा था, सेम वेबसाइट पे जैसा दिख रहा था वैसा ही आया है। अगेन जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं एज यू गाइस कैन सी, बट जो इसके स्ट्रैप्स हैं ये काफ़ी फ्लिमजीज हैं, लाइक मुझे उतने अच्छे नहीं लगे इनके स्ट्रैप्स की क्वालिटी एज कम्पेयर टू द ड्रेस। नॉट ओनली द स्ट्रैप्स बट पूरे ही ड्रेस की जो क्वालिटी है, अगेन पॉलिएस्टर फैब्रिक में ही है ये ड्रेस भी, बट जो इसका पॉलिएस्टर फैब्रिक है एंड जो वो पिंक ड्रेस का पॉलिएस्टर फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसका फैब्रिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगेन इसके भी बैक में आपको ये जिप मिल जाती है तो अगेन जिप से थोड़ी बहुत अच्छी फिटिंग हो जाती है इसकी। सो गाइज आप इसके इस ड्रेस को देखिए एंड जो इसके साइड्स हैं ये बहुत ही मतलब अजीब सा फिटिंग आता है इसका, इस पोर्शन में बहुत ही अजीब फिटिंग आता है, लाइक ये ऐसे झूलते रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस ड्रेस की ओवरऑल फिटिंग बहुत ही बेकार लगी मुझे।
एंड एज आई सेड कि मेरी हाइट है 5'9", तो उस हिसाब से इस ड्रेस की लेंथ मेरे लिए काफ़ी शॉर्ट है, बट शॉर्ट गर्ल्स को ये बहुत ही अच्छी लेंथ आएगी, लाइक अबव नी लेंथ आएगी इसकी. सो बहुत ही कंफर्टेबली इसे पहना जा सकता है. एंड इसकी MRP है 1,665 rupees, विच इज़ अ लॉट. एंड मैंने आई गेस पे करा था कुछ 500 something मैंने पे करा था इस ड्रेस के लिए, जो कि बिल्कुल भी मुझे वर्थ नहीं लगा. प्लस इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सी थ्रू फैब्रिक है, लाइक जब इसे पहन के अगर आप दिन में जाएंगे तो ये काफ़ी रिवीलिंग हो सकता है अंदर से, तो मुझे बिल्कुल भी इस ड्रेस की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी और प्राइस को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है ये ड्रेस. सो इट्स अप टू यू कि आपको ये ड्रेस लेना है कि नहीं लेना. गाइस मेरा ओवरऑल रिव्यू यही रहेगा बेरी लश ब्रांड को लेके कि आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए ये, बिकॉज जो मैंने मैक्सी ड्रेस ली उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ. उसकी क्वालिटी, उसका फिटिंग, उसका फैब्रिक सब कुछ टॉप नॉच है. वेयर एज अगर हम बात करें येलो ड्रेस की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. तो मैं यही कहूँगी कि आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आपको मे बी कुछ पसंद आ सकता है. Guys, that was my honest review on this brand, Berry Lush. एंड ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, मैंने अपने पैसों से ही ये दोनों ड्रेसेस खरीदी हैं. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.